मैं यहाँ पर जिंदा आप लोगों के सामने मौजूद हूँ, यही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अब बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि भाई नेपोटिज्म की वजह से या सब लोग इस मूवी को हेट कर रहे हैं इसलिए मैं यहाँ पर इस तरीके का रिव्यू कर रहा हूँ, लेकिन आप लोग खुद इस मूवी को देख सकते हो लेकिन अपने रिस्क पर देखना, मैं आपका जवाबदार हूं नहीं। मैंने इस मूवी को सिर्फ इसलिए देखा क्योंकि इसमें सिर्फ बॉलीवुड का नहीं, इंडिया के वन ऑफ दी फाइनेस्ट टैलेंट मिस्टर जयदीप अलावत हमें नजर आते हैं और मैं पर्सनली उनका फैन हूं और मुझे ऐसा लगता है कि जहां पर जयदीप अलावत है उस मूवी या सीरीज को तो एटलीस्ट एक बार देखना ही चाहिए उनके परफॉर्मेंस के लिए, और उन्हीं के लिए मैंने ये मूवी भी देखा हो। खैर बात करेंगे इस मूवी की, तो इसमें हमें नजर आते ईशान कट्टर, अनन्या पांडे, जयदीप अलावत, अनूप सोनी और सतीश कौशिक। मूवी को डायरेक्ट किया मकबूल खान ने। कहानी शुरू होती है विजय उर्फ ब्लैकी से, जो बचपन से ही क्राइम करता है और इसी वजह से वो मुंबई शहर भागकर आया था। यहाँ पर आने के बाद उसकी मुलाकात होती है यूसुफ चिकना से, जो कि मुंबई में चकला खाना चलाता है। खैर अब कहानी में ट्विस्ट अब आता है जब ब्लैकी के हाथों एक टैक्सी ड्राइवर का हाफ मर्डर हो जाता है और उसके बाद वो वहां से फरार हो जाता है। तभी उसकी मुलाकात रास्ते में होती है पूजा से। उसके बाद कहानी में क्या कुछ होता है ये सब कुछ जानने के लिए आपको देखनी पड़ेगी ये मूवी अगर आप लोग चाहो तो, लेकिन इस वीडियो को देख लोगे तो मुझे नहीं लगता कि आप लोग इस मूवी को देखने की कोशिश भी करोगे। खैर बात करेंगे इस मूवी के कॉन्सेप्ट की, तो यू तो इस मूवी में हमें टाइमलाइन देखने को मिला है 1995 से लेके करीब 2010 के बीच में, लेकिन जब आप इस मूवी को देखोगे तो आपको काफी 80s और 90s की बॉलीवुड मूवीज की याद आ जाएगी। फॉर एग्जांपल हीरो का भागते भागते बड़ा हो जाना, या उसके अलावा हीरो हीरोइन उसके पीछे गुंडे पड़े हैं, पुलिस वाले पड़े हैं, और उसके अलावा ये मूवी को देखते टाइम में मुझे सलमान भाई की मूवीज याद आने लगी। मैं खुद उनका बहुत बड़ा फैन हूं, लेकिन आप भी मानते हो, मैं भी एक चीज मानता हूँ कि भाई की 10 मूवी में से 2 मूवी में आपको अच्छी कहानी देखने को मिलती है, बाकी के 8 मूवी सिर्फ कमर्शियल होती है, वो उसमें कुछ लॉजिक होता नहीं और एक सीन से दूसरे सीन का कोई कनेक्शन होता नहीं है, बस लोग सलमान खान को देखने जाते हैं मूवी हिट हो जाती है। लेकिन यहाँ पर ना सलमान खान है ना ही उनकी कोई मूवी है, लेकिन यहाँ पर जो चीजें हैं वो बिल्कुल उसी तरह की है, यानी कि कहानी में कुछ लॉजिक नहीं है, कोई भी सीन एक दूसरे से कनेक्ट होता नहीं है और पास्ट और प्रेजेंट की काफी कुछ चीजें देखने मिलती है, यानी कि पास्ट में जब ये लोग बच्चे थे तो इनके साथ क्या कुछ हुआ था, प्रेजेंट में ये लोग किस तरीके से उन गुंडों और पुलिस वालों से बच रहे हैं, फिर इनके साथ क्या कुछ हो रहा है। उसके अलावा यहाँ पर 90s के वो पुलिस वाले जो पुलिस वाले कम कॉमेडियन ज्यादा थे, पर उस कॉमेडियन पुलिस वाले का रोल प्ले किया सतीश कौशिक सर ने, जिन्होंने अपने रोल को अच्छी तरह से निभाया। लेकिन आज की तारीख में आप इस तरीके की चीजें अगर मूवीज में दिखाओगे और मूवी को इतना हाइप क्रिएट करोगे और इतना महंगे प्राइस में अगर मूवी को बेचोगे तो कौन देखेगा। मूवी में कहानी के नाम पे सिर्फ और सिर्फ टट्टी है। उसके अलावा इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी मुझे अच्छी लगी क्योंकि चीजों को बहुत ही अच्छी तरह से शूट किया और कुछ नया करने की कोशिश की है जो कि अच्छा लगता देखकर। मूवी के अगर मैं बैकग्राउंड स्कोर की बात करूं तो यार वो एकदम बकवास है और सॉन्ग्स तो हो एक से बढ़कर एक वाहियात सॉन्ग है। एक भी सॉन्ग ऐसा नहीं कि आप याद रहे या आप गुनगुनाओगे या मूवी देखने के बाद कोई एक फेवरेट हो जाए, ऐसा कोई भी सॉन्ग है नहीं। और यहाँ पर एक्शन से लेके डांस तक आपको बॉलीवुड की अलग अलग मूवी से कॉपी किया गया लगता है, जैसे कि डांस अगर देखा जाए तो ऐसा लगता है कि ऋतिक रोशन ने जो धूम में डांस किया था वैसा एक आपको यहाँ पर एक सॉन्ग देखने मिलेगा, मगर सॉन्ग इतना बंडल है। वहां पर ईशान कट्टर हमें नजर आते हैं मगर बहुत अच्छी तरह से उन्होंने डांस किया। इसके अलावा मूवी में अगर एक्शन की बात करो तो ऐसा लगता है कि शाहिद कपूर और सलमान खान की मूवीज को देखकर यहाँ पर एक्शन डाले गए, यानी कि एक्शन में भी कुछ खास दम है नहीं। बात करेंगे अगर एक्टर्स के परफॉर्मेंस की तो यहाँ पर ईशान कट्टर और अनन्या पांडे उन दोनों ने अपने हिस्से काम को अच्छी तरह से निभाया। आप बॉलीवुड में फीमेल एक्ट्रेस से कुछ होप नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर मोस्टली फीमेल एक्ट्रेस को सिर्फ ग्रामर के लिए लिया जाता है और अनन्या पांडे ने वैसा ही परफॉर्मेंस दिया जैसे आप लोग कैटरीना कैफ को पसंद करते हैं, आप लोग सोनाक्षी सिन्हा को पसंद करते हैं, आप लोग वो सारी एक्ट्रेस को पसंद करते हैं जो सिर्फ ग्लैमर के लिए ली जाती है, तो बस अनन्या पांडे भी उन्हीं में से एक है। तो नेपोटिज्म की वजह से अगर आप लोग इसको हेट करोगे तो वो लॉजिक मुझे समझ में नहीं आता। और अगर ईशान कट्टर की बात करें तो उसने भी उतना ही अच्छा परफॉर्मेंस किया जितना कि बॉलीवुड में हमें ज्यादातर एक्टर्स देखने को मिल जाते, तो जज करने का तो सवाल होता नहीं है। लेकिन हाँ जयदीप अलावत सर की बात करें तो उन्होंने फिर से एक बार अपने रोल को बहुत ही अच्छी तरह से निभाया, हालांकि उतनी स्क्रीन टाइमिंग मुझे पर्सनली फील नहीं हुई उनके कैरेक्टर को लेकर, लेकिन ठीक है उन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस किया है। और हाँ अनूप सोनी को यहाँ पर जबरदस्त तरीके से वेस्ट किया है, मेरे हिसाब से अगर उनको भी अच्छा रोल दिया है तो वो भी अच्छा काम कर सकते हैं, लेकिन इस मूवी में उनका कुछ खास रोल मुझे नजर नहीं आया। इस मूवी की जो सबसे बड़ी दुश्मन है वो है इसकी स्टोरी। अगर पेरेंटल गाइडेंस की बात करें तो ये मूवी में आपको एक किसिंग सीन देखने को मिल जाएगा जो कि एंड में है, उसके अलावा ऐसा कुछ भी सीन नहीं है जो आपको एडल्ट फील हो, तो आप लोग अपने घर पे चाहो तो इस मूवी को देख सकते हो। मैं इस मूवी को रेटिंग दूंगा
टू स्टार आउट ऑफ फाइव, टू स्टार इसलिए, एक स्टार जयदीप अलाव सर के लिए और एक स्टार इसलिए क्योंकि आप लोगों ने आज की तारीख में इस तरीके की मूवी बनाने की हिम्मत की है। लेकिन मैं आपको सच बता दूं कि अगर इस मूवी में अगर सलमान खान होता या कोई ऐसा एक्टर होता जिसके करोड़ों फैन है तो ये मूवी एटलीस्ट अच्छा खासा प्रॉफिट कर लेती, क्योंकि फैंस तो है ही। मैं यार सच बता रहा हूँ, अभी नेपोटिज्म का चल रहा है इसलिए ये सारी चीजें हो रही है, वरना तो मैं जानता हूँ अच्छे से। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, नहीं अच्छा लगा तो डिसलाइक करो। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तिल दें दुआ में याद रखना।